साल 2018 15 अगस्त के दिन रिलीज हुई जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते की बम्पर सक्सेस के बाद निर्माताओं ने इसके सीक्वल सत्यमेव जयते 2 का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर फैंस का क्रेज भी कई गुना बढ़ने लगा था। अब इस फिल्म को लेकर निर्माताओं ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। ये फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर पर रिलीज होगी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया गया कि इस बार ऑन स्क्रीन किस अदाकारा के साथ जॉन अब्राहम इश्क फरमाते दिखेंगे। इस फिल्म के सीक्वल के लिए निर्माता निर्देशकों ने दिव्या खोसला कुमार के नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिव्या खोसला कुमार ने साल 2004 में अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इसके बाद वो इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आई। इसके बाद अदाकारा ने डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने यारियां सनम रे जैसी फिल्म का डायरेक्शन किया और इन दोनों ही फिल्मों के गाने काफ़ी पॉपुलर हुए। खैर, अब वो जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 में लीड रोल में दिखने वाली हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं सत्यमेव जयते 2 के लिए, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।